पहला सवाल जो मुझे लगता है हम सबके जहन में आता है कि हमें महिला दिवस मनाने की जरूरत ही क्यों पड़ती है। ये बात मैं मतलब जो लोग देख रहे हैं उनके लिए भी यही सवाल है। अपने अपने सवालों को भी ये बात के लिए रख भी सकते हैं और लड़कियां भी रख सकती हैं कि हम महिला दिवस क्यों मनाते हैं। एक दिन महिला दिवस मना के हम क्या जताना चाहते हैं कि महिलाओं को कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाती है। मैं बहुत सारे इवेंट्स में जाती हूँ तो आज के दिन इतने सारे इवेंट्स होते हैं, क्यों 8 मार्च को ही स्पेशल डे माना जाता है? क्या आज के दिन रेप केसेस नहीं होते हैं? क्या एसिड अटैक्स नहीं हुए होंगे? क्या डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हुए होंगे? आज भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। तो ये बहुत दुखद बात है कि हम एक दिन विमेंस डे मना के कहीं ना कहीं हम अपनी ही इंसल्ट कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि ये फैक्ट भी है कि अगर कोई लड़की, सबसे बड़ी बात ये कि अगर कोई लड़की कुछ करती है तो हमेशा ये बात क्यों कहा जाता है कि तुम बेटा नहीं, तुम हमारा, जो हमें बहुत हिम्मत मिल रही है ये देख के हमें बहुत खुशी हो रही है कि तुम हमारी बेटी नहीं, तुम हमारा बेटा हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत दुखद बात है कि क्यों आप अपनी बेटी को ये नहीं कहते कि तुम हमारी एक बहुत अच्छी बेटी हो, और तुम अगर इतना हिम्मत करके आगे बढ़ रही हो तो ऐसे बहुत सारी बेटियां आगे बढ़ेंगी। क्यों हम ये बात नहीं कहते? क्यों? इसलिए क्योंकि हमारा जो घमंड, जो हमारा ईगो है वो हर्ट हो जाएगा, इसलिए नहीं कहते हैं। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और इससे एक चेंज भी आएगा। मेरे को लगता है कि एक इंसान 100 के बराबर होता है, तो अगर एक लड़की, सपोज मैंने एक्सेप्ट किया तो मुझे पता है 1000 लड़कियों ने तो एक्सेप्ट किया ही होगा इस चीज़ को लेके, और वो लड़कियां जो बहुत हिम्मती हैं और जो लड़कियां आज भी घर में बैठ के सारी चीज़ें सुन रही हैं और वो आपके कैंपेन को आगे और सपोर्ट करेंगी और बहुत अच्छा सपोर्ट भी आने वाला है इससे।